अगला सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ पॉइंट वन मीटर कैन नॉट बी एन अ टेंशन मोर देन हंड्रेड न्यूटन इट इज टाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास हंड्रेड ग्राम दिस शुड बी हंड्रेड जी की जगह ग्राम होना चाहिए एंड रोटेटेड इन अ हॉरिजोंटल सर्कल सवाल है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कैन बी और हमारी ये ऑप्शन है हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड थाउजेंड टेन थाउजेंड या फिर आपका पॉइंट वन इस केस में आपका जो सर्कुलर ट्रैक है जिस पे आपकी पत्थर को आपने घुस ऐसे करके घुमाया हुआ है सो ये आपका इस डायरेक्शन में जो जा रहा है हॉर्जॉन्टल सर्कल में ये आपकी ओमेगा है ना इस केस में आपकी रस्सी में जो टेंशन टी होगी उसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू एम ए सी ए सी आपका सेंट्रीपिटल एक्सोलेशन है सो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर नाव हमें टी की वैल्यू दी हुई है एम पता है आर पता है ओमेगा निकालना है सो so, इसको मैं से भी ले सकते हैं विच एम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय एम और विच एम्प्लाईज आपका ओमेगा जो है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय एम बस के ऑप्शन इसकी वैल्यू रख के आपका आंसर आ जाएगा टेंशन आपने दी है हंड्रेड न्यूटन डिवाइडेड बाय मास दिया है हंड्रेड ग्राम तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई लेंथ आपको कितनी दी है पॉइंट वन तो ये हो गया टेन टू द पावर माइनस वन हालाइट सो इसको जब सॉल्व करेंगे एम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा ये नीचे आया वन डिवाइडेड बाय टेन टू द पावर माइनस फोर यानी कि हो गया अंडर रूट में टेन टू द पावर फोर इसका जब हम अंडर रूट लेंगे सो so इसकी वैल्यू हो जाएगी हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड यानी कि आपको ऑप्शन नंबर वन हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड वुड बी द राइट आंसर